Hello everyone, welcome to class number 9 of the chapter Discrete Mathematics. So, आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कन्वर्स, कंट्रापॉजिटिव एंड इनवर्स. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. जैसे कि लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि इम्प्लीकेशन और कंडीशनल स्टेटमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इफ पी देन क्यू के फॉर्म में, या फिर पी इम्प्लाइज क्यू के फॉर्म में. ओके, सो अगर एक पर्टिकुलर इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट को अगर हम कन्वर्स करेंगे, उसका कन्वर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे अगर उसको, या फिर कंट्रापॉजिटिव फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर इनवर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे. सो अगर हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है पी इम्प्लाइज क्यू, मीन्स इफ पी देन क्यू, तो उसका कन्वर्स वे में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, कन्वर्स के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे. Q implies P, means if Q then P. Okay, मतलब जो implication statement या फिर conditional statement है उसका उल्टा है कन्वर्स. देन अगर हम कंट्रापॉजिटिव के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, इफ नॉट Q देन नॉट P, मीन्स नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P. अगर उसको इनवर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, negation of P implies negation of Q, means if not P then not Q. Okay, so पता चला कि अगर एक particular conditional statement P implies Q के form में है तो उसका converse form में कैसे representation होगा, Q implies P. Contrapositive form में कैसे होगा, negation of Q implies negation of P. Inverse की form में कैसे होगा, negation of P implies negation of Q. Okay, so एक example लेते हैं और उस पर्टिकुलर इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट को हम कन्वर्स, कंट्रापॉजिटिव एंड इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, एक इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट या फिर एक कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिया. तो क्या कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिया है, इफ इट रेन्स देन दे कैंसिल द स्कूल टुडे. ओके, तो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, इफ इट रेन्स देन दे कैंसिल द स्कूल टुडे. तो यहाँ पे P हमारा क्या है, इट रेन्स, एंड Q हमारा क्या है, दे कैंसिल द स्कूल टुडे. ओके, अगर इसको हम कन्वर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे होगा, अगर एक सिंपल हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट इफ P देन Q के फॉर्म में है तो कन्वर्स के फॉर्म में अगर उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, इफ Q देन P. तो Q हमारा क्या है, दे कैंसिल द स्कूल टुडे. P हमारा क्या है, इट रेन्स. तो कन्वर्स के फॉर्म में उसका स्टेटमेंट क्या होगा, इफ दे कैंसिल द स्कूल टुडे देन इट रेन्स. अगर वही सेम कंडीशनल स्टेटमेंट को या फिर इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट को अगर हमें कंट्रापॉजिटिव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाए तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कंट्रापॉजिटिव की फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ, सॉरी, नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी, मीन्स इफ नॉट क्यू देन नॉट पी. ओके, इफ नॉट क्यू मीन्स इफ दे डू नॉट कैंसिल द स्कूल टूडे देन इट डजेंट रेन. ओके, If यहाँ पे हमने not Q को represent किया, मतलब जो Q है उसका negation को हम बोलते हैं not Q. If they do not cancel the school today, then it doesn't rain. This is the contrapositive way of representation of the given conditional statement. Then, if we want to represent that particular conditional statement in the form of inverse, then how we will represent this? Okay, so if our conditional statement is in the form of P implies Q, then the inverse is negation of P implies negation of Q, means if not P then not Q. If we are going to represent the conditional statement in the form of inverse, then if P then Q will be represented as if not P then not Q, means if not P means if it doesn't rain, then not Q means they do not cancel the school today. Okay, so the statement will be, if it doesn't rain, then they do not cancel the school today. So here we see that how a conditional statement can be represented in the form of converse, contrapositive and inverse. Okay, so here from these statements we got the fact that implication statement and contrapositive statements both are equivalent in meaning, and converse statement and inverse statement both are equivalent in meaning, and neither converse nor inverse is equivalent to implication.
So here we got the fact that implication statement and contrapositive statement both giving the same meaning. Let's see. Okay, what is the implication statement here? If it rains, then they cancel the school today. Agar baris hoga, to school wo cancel kar denge ya phir chutti kar denge. Okay, contrapositive mein kya hai sentence dekhte hain. If they do not cancel the school today, agar unhone school ko cancel nahi kiya hai, then it doesn't rain. Iska matlab baris nahi hua hai. तो हमने सेंटेंस में ये बोला था इंप्लीकेशन स्टेटमेंट में कि अगर बारिश होगा तो स्कूल कंफर्मली कैंसिल होगा. ओके, बट अगर बारिश नहीं हुआ है इसका मतलब अगर स्कूल कैंसिल नहीं हुआ है इसका मतलब बारिश नहीं हुआ है. बोथ आर गिविंग द सेम मीनिंग. दैट्स व्हाई यू कैन से दैट इंप्लीकेशन स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू कंट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट. ओके, देन वी ऑल्सो सेड दैट converse and inverse both are equivalent. Converse, the statement present in converse is if they cancel the school today, then it rains. Okay, agar wo school ko cancel karte hain, iska matlab baris ho raha hai. Inverse mein statement hamara kya hai? If it doesn't rain, agar baris nahi ho raha, then they do not cancel the school today. To wo school ko cancel nahi karenge. ओके, कन्वर्स में बोला कि अगर स्कूल कैंसिल है इसका मतलब बारिश कंफर्मली हो रहा है. इनवर्स में बोला कि अगर बारिश नहीं हो रहा इसका मतलब उन्होंने स्कूल को कैंसिल नहीं किया है. बोथ आर गिविंग द इक्वल मीनिंग, बोथ आर गिविंग द सेम मीनिंग. दैट्स व्हाई वी कैन से कन्वर्स एंड इनवर्स बोथ आर इक्विवेलेंट एंड इंप्लीकेशन एंड कंट्रापॉजिटिव बोथ आर इक्विवेलेंट एंड इंप्लीकेशन स्टेटमेंट इज द कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ कन्वर्स एंड इनवर्स स्टेटमेंट. ओके, So neither converse nor inverse statement is equivalent to implication statement. We can also solve this conclusion, or we can also find this conclusion through the truth table. Okay, so let's consider a truth table. So there is a P and Q, two variables that we are taking here. So the number of inputs will be true, 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 false, false, true, and false, false. If we will represent this in the form of negation, then negation of P will be false, false, and true, true. Negation of Q will be false, true, false, true. Okay. So, ye samajh aa gaya? P ka negation of P kaise humne kiya? Q ka negation of Q humne kaise kiya? Then, abhi hum kya karenge? Implication statement, then uske baad converse statement, then contrapositive statement, then inverse statement. Charo ka truth value hum find karenge. P implies Q. इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. क्या आता है? फॉल्स कब आता है? जब P ट्रू है, Q फॉल्स है, ओनली तभी फॉल्स आता है, बाकी सारे टाइम में ट्रू ही आता है. ओके, तो वही है. देन Q इंप्लाइज P, तो Q इंप्लाइज P, फॉल्स कब आएगा? जब हमारा Q ट्रू होगा एंड P फॉल्स होगा, तब जाके सिर्फ हमारा यहाँ पे ट्रुथ टेबल में वैल्यू फॉल्स आएगा, अदरवाइज बाकी टाइम में ट्रू आएगा. ओके, हमने यहाँ पे ट्रुथ वैल्यू फाइंड किया. अभी इसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड करेंगे. नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी, मतलब जब नेगेशन ऑफ क्यू ट्रू होगा एंड नेगेशन ऑफ पी फॉल्स होगा, तब सिर्फ हमारा ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा. ओके, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इंप्लीकेशन. देन नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू, इसका मतलब जब नेगेशन ऑफ पी ट्रू होगा एंड नेगेशन ऑफ क्यू फॉल्स होगा, तब ओनली हमारा ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा. ओके, यहाँ पे देख सकते हो नेगेशन ऑफ पी ट्रू, नेगेशन ऑफ क्यू फॉल्स, तब जाके हमारा यहाँ पे वैल्यू फॉल्स, अदरवाइज वैल्यू विल बी ट्रू. तो यहाँ पे हमने देखा जो ट्रुथ वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया चारों स्टेटमेंट्स का, तो यहाँ पे पी इंप्लाइज क्यू मीन्स इंप्लीकेशन स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू हमारे कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट के वैल्यूज के साथ इक्वल है, एंड कन्वर्स स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू हमारे इनवर्स स्टेटमेंट के वैल्यूज के साथ इक्वल है. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंप्लीकेशन स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू कंट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट एंड इनवर्स स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू कन्वर्स स्टेटमेंट. ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया उसके बारे में आप लोगों को समझ आ चुका है,
और ये भी हमने देखा कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट एन इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंट्रापॉजिटिव कन्वर्स एंड इनवर्स. ओके सो हियर इज द सम हियर आर सम क्वेश्चंस दैट इज प्रोवाइडेड टू यू फॉर प्रैक्टिस. सो स्टेट द कन्वर्स कंट्रापॉजिटिव एंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सो टू स्टेटमेंट्स आर गिवन हियर एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ converse, contrapositive and inverse. Okay, so next class में हम discuss करेंगे ऐसे और कुछ topics के बारे में. आज के लिए इतना ही. So thank you.